अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह अपने किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हो। दोस्तों, आपने सबसे पहले अपने गूगल क्रोम में जाना है। ओपन करने के बाद आपने सर्च बॉक्स में लिखना है बैकग्राउंड चेंजर। बैकग्राउंड चेंजर लिखने के बाद आपने इंटर के बटन पर प्रेस करना है। जो सबसे पहले आपको वेबसाइट नज़र आ रही है, इसको आपने ओपन करना। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आ रहा है, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने अपलोड इमेज पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने वो फ़ोटो सेलेक्ट करनी जिसका आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं। यह देखिए, मैं ये फ़ोटो मैंने सेलेक्ट कर ली। ये देखिए, आपके सामने जो मेरी फ़ोटो है इसका बैकग्राउंड वाइट कलर का हो गया। मैं यहाँ से बैकग्राउंड इमेज पर कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखिए, आप कोई भी बैकग्राउंड यहाँ से चूज़ कर सकते हो और आपको नीचे डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आएगा। आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और इसके नीचे शेयर भी कर सकते हो कहीं भी। ये देखिए, ये फ़ोटो डाउनलोड हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ गैलरी से। शो इन फोल्डर करना आपने, ये आपकी फ़ोटो पड़ी। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये देखिए, ये फ़ोटो बकायदा मेरी डाउनलोड भी हो गई बहुत ही सिंपल तरीके से। इसी तरह आपको अगर कोई और फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो, आपने चेंज इमेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने कोई फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। ये देखिए, उस फ़ोटो का भी बैकग्राउंड चेंज हो गया। आपको प्लस वाला आइकन नज़र आएगा। आप अपने कंप्यूटर से भी कोई बैकग्राउंड को चूज़ कर सकते हो। मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं चूज़ करूँगा। फिर मैं दोबारा उसी तरह डाउनलोड पर क्लिक करूँगा और फ़ोटो को सेव कर लूँगा। ये देखिए, मैं दोबारा आपको वही फ़ोटो जो मैंने यहाँ से सेव किए दिखाता हूँ। आपने सिंपल शो इन फोल्डर पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद वही फाइल आपको जो आपने डाउनलोड की होगी आपको अपने फोल्डर में मिलेगी। आप यहां से अपनी फ़ोटो देख सकते हो। ये देखें जी,